नमस्कार, इंडिटैप न्यूज में आपका स्वागत है। सभी यारों बेबुनियाद सुरेश राम प्रधान। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बांसडी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा केवरा के एक व्यक्ति ने प्रधान व सचिव पर तमाम तरह के आरोप लगाए, परंतु केवरा के प्रधान सुरेश राम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। बारह 14 लोग ऐसे जो है जिनका आवास पहले से बना हुआ भी है उसका भी आया है, और जिसका ईटा का घर उसका भी बंद है, आवास आ गया है सूची में। तो क्या इसके आपके पास कोई प्रूफ है जो आप आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों के पास आवास है? हाँ, सूची में उन लोगों का नाम है, यहाँ पे आकर चेक किया जाए, जाँच किया जाए, सब मिलेगा। सबका घर बना हुआ है, पहले ईट का घर जिसका जिसका भी नाम दर्ज हुआ है आवेदक में, सबका ईट का घर यहाँ पे बना हुआ है। जाँच किया जाएगा तो सबको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। ठीक, ग्राम पंचायत नया पंचायत केवरा के ग्राम प्रधान सुरेश राम जी। प्रधान जी अभी नव निर्वाचित आप हुए हैं जी? जी, इससे पहले और कोई प्रधान था? हाँ जी। प्रधान जी, प्रकरण चल रही है 2-3 दिन से जो डीएम साहब के अंदर खास पर रही है आवास को एक मामला लेकर। जी जी, तो पहले तो पूर्व प्रधान को बताया गया था, अब आपको बताया जा रहा है, ये क्या पूरा प्रकरण है थोड़ा जानकारी? हमारे ये कार्यकाल का नहीं, अभी तो मैं नया नया हूँ जी। ये पहले का है, जो लिस्ट में नाम आया है उसी के हिसाब से हम आवाज़ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जब इन लोगों का सूची में नाम ही नहीं तो पैसे लेने की सवाल ही नहीं आता। ये तो हमारे ऊपर ये धब्बा है, ये गांव के ऊपर धब्बा है। मैं इसके बारे में आगे भी कार्रवाई करूंगा, बस अब तक इनका लिस्ट में नाम है जी। इनका कहने का तात्पर्य ये है, जो कंप्लेन परसों हुआ था जी, जो वर्तमान प्रधान है आपका नाम लेकर 20,000 का आपने मांग किया था, अगर आपने कहा था कि नहीं देंगे तो सूची से नाम कट जाएंगे। नहीं, देखिए, सुनिए, जब सूची में नाम रहेगा तब हम देने का अधिकार, जब सूची में नाम ही नहीं तो हम देने का अधिकार नहीं था। हमारे पास तमाम लिस्ट है, देखिए आप लोग जी, जिसका जिसका है उसको मैं दे रहा हूँ, और देने के लिए अभी सक्षम होकर दूंगा। जैसे आएगा शासन प्रशासन का आएगा उस हिसाब से मैं दूंगा। ये सूची में नाम है, ये सूची कब निकला? ये करंट का सूची है, अभी जो प्रणाली जब बीता है, कार्यकाल जब हम ज्वाइन किए हैं, शपथ हुआ है, उसके बाद की ये सूची। तो ये सूची निकालने के लिए आप कुछ रिपोर्ट लगा के दिए थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं दिए, हमारे ब्लॉक से जो मिला है अभी हमको ये सूची करंट करके इसी के आधार पर काम कर रहा हूँ। इसके अलावा भी पहले सूची था? नहीं देखिए, उसमें नाम था उनका? नहीं नहीं, कुछ नाम हो ना हो सबको लेना देना नहीं। हमारी कार्यकाल में जो जो लिस्ट मिला है, ये जो लिस्ट मिला जी, आपके मानने का तात्पर्य है जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं क्यों लगाए जा रहे हैं, क्या कारण रहा? देखिए, सबसे कैसे लगा रहे हैं लोग, ये कंफ्यूज में है, चढ़ाव उड़ाव में काम कर रहे हैं। 100 बात एक जवाब है, लिस्ट में नाम रहेगा तो मैं आवाज दूंगा, नहीं रहेगा नहीं। जो मैं आपके सामने आवाज का सूची पेश कर रहा हूँ, ये देखिए जी, जो इस सूची की आप बात कर रहे हैं, जो सूची आप दिखा रहे हैं, इसमें कोई ऐसा ही व्यक्ति है जिसका पहले से आवाज बना हुआ हो, घर हो, उसका आवाज पास हुआ? नहीं नहीं, देखिए, सूची सर्वे कर गया है। कई बार ऐसे होते हैं लोग, 5-7 परिवार हैं, वो अलग अलग डिवाइड करके हो गए हैं, महामारी है, खाने की दिक्कत है, तो सूची में नाम आ गया है तो उनको मिलना ही है, और जिसके पास मानिए घर है नहीं, लेकिन सर्वे करके करने के बाद ही आवास मिला है। जी, तो ये हमको बताइए, जो भी प्रकरण है, इस प्रकरण के आपसे क्या संबंध है, क्यों आरोप लगाया गया? देखिए, तो कोई दुश्मनी कोई क्या है? नहीं, जो भी हो, चुनावी स्टंट में कुछ होता है वो अलग बात है, लेकिन किसी समय व्यवस्था नहीं है। हमारे पास सीधा सीधे जवाब है, सूची में नाम रहेगा तो आवास, एक गरीब हो या उसके पात्र हो, जो भी पात्र हो, मैंने आवास के प्रति मैं उसको देने के लिए सक्षम हूँ। जी, उनका ये भी कहना था कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पहले से आवास बना हुआ, आवास घर। देखिए, ब्लेम लगाने के लिए तो तमाम उनको पास है, जब वो नहीं होता है गांव में, तो हर तरह से जब उतार हो जाता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, वो तो ब्लेम लगाना उनका काम ही है, चढ़ाने बढ़ाने में काम कर रहे हैं। उनका जो भी आरोप है बेबुनियाद मानते हैं आप? बेबुनियाद, बिल्कुल जी, सरिया में जो उनका नाम ही नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं। जी, मैं साफ तौर से आप ये कहना चाहते हैं कि आपके पास जो सूची है उसमें से किसी का भी मकान नहीं है ईट का? देखिए,
जो लिस्ट हमारे आई, जो लिस्ट भी आई है, हाँ, जो लिस्ट हमारे पास है, इसमें किसी का भी आवास नहीं है, आवास नहीं है, जो पात्र है उन्हीं का आवास बन रहा है, हाँ ठीक है ना, किसी के कहने से नहीं कि तू ताला दिखा दो कि इनका भाई पांच ताला है, इनका भी आ गया है, जी हम मानेंगे। हाँ, वर्तमान समय में कितने लोगों के सूची में नाम है अभी तक फिलहाल? देखिए ये पहले की सूची है, ये कानवे लोगों की सूची है, लोगों में छह महीना पहले 15 आवास बन चुका है, उसके बाद से हम जब शपथ ग्रहण किए तो उसके बाद से हमारे पास ये सूची है कि 15 आपको दे देना है, इसमें दो चार पांच बड़े विषय घट से तो प्रशासन की वही मनसा है, कब क्या करेंगे हमको पता नहीं है। उसमें से किसी का पहले से आवास नहीं है, घर नहीं है? नहीं, घर नहीं है, पता तो नहीं, गरीब सबका मजदूर आदमी है, मजदूर आदमी उस टाइप को बन रहा है। जो ब्लेम लगाए गए हैं इसे झूठा मानते हैं? बिल्कुल सरियाम जी, 100% झूठा है, इससे कोई लेना देना, जब देखिए सीधा सीधी बात है, लिस्ट में नाम रहेगा, कोई याचना भी होगा, अनपढ़ भी होगा, महागरीब होगा, उसको भी आवास देने के लिए सक्षम है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।